स्टेप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ गौमुखासन और काउफेज पोज। गौमुखासन से अपच, गठिया, वातरोग दूर होते हैं। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करते हुए इस पोजीशन में बैठें। दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर हैं। बैक को स्ट्रेट करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और एल्बो से फोल्ड करते हुए पीछे दोनों हैंड की फिंगर को इंटरलॉक करें इस तरह। यह है गौमुखासन योगा पोज। दिखने में यह अत्यंत सरल लगता है, परंतु इस आसन के अनेक लाभ हैं। छाती व फेफड़ों को बल मिलता है तथा मूल बंध स्वयं लग जाता है। गौमुखासन योगा पोज डेली करने से अपच, गठिया, वातरोग दूर होते हैं। स्त्री पुरुषों के सभी प्रकार के पीठ का दर्द, कंधों का कड़ापन दूर होता है। वीर्य विकार दूर होता है, वीर्य गाढ़ा होता है, स्वप्न दोष दूर होता है, मधुमेह और गुर्दों के विकार दूर होते हैं तथा मूत्र की रुकावट भी दूर होती है। इस योगा पोज से पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलता है। महिलाओं की योनि विकार दूर होती है। छाती तथा फेफड़ों की सतह खुलती है। फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। हृदय रोग दूर होता है। हमारी हृदय हेल्दी बनी हुई रहती है। ज़्यादा लाभ पाने के लिए इस योगा पोज में आपको रुकना है। इस पोजीशन में बॉडी को रोक करके रखना है। हाथ और पैर बदल बदल कर अभ्यास करना है। हैंड और लेग की पोजीशन को चेंज करके काउ फेस योगा पोज या गौमुखासन करें। दोनों लेग और हैंड में दोहराना है। जिन्हें वातरोग की समस्या है, उनकी वातरोग दूर होगी। योगा पोज से रीढ़ की हड्डी को विशेष लाभ होता है। रीढ़ हमारी मजबूत और लचीली होती है। जो लोग इस योगा पोज को डेली करते हैं, उनकी गठिया, वातरोग पूरी तरह से दूर होती है। या जिन्हें ये बीमारी नहीं हुई है, उन्हें गठिया, वातरोग होती नहीं है। महिलाओं को भी विशेष लाभ मिलता है। पेल्विक मसल्स मजबूत होते हैं। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। हृदय हेल्दी होती है। छाती से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। रेस्पिरेटरी डिसीज दूर होती है। डायबिटीज के रोगियों को भी लाभ मिलता है। पूरी बॉडी को बल मिलता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार तीव्र होता है, जिससे कि चेहरा कांतिवान बनता है, यानी हमारी स्किन ग्लोइंग होती है। दोनों हाथ और पैर बदल बदल करके गौमुखासन योगा पोज आप अवश्य करें। हमें सभी योगासनों का लाभ लेनी चाहिए। गौमुखासन के स्टेप्स बहुत ही आसान है। आप बैठ करके इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। 1 से लेकर 2 मिनट तक गौमुखासन योगा पोज आप डेली करें। धन्यवाद दोस्तों।